हेलो फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा होगा कि कई बार वैक्सीन कराने के बाद हमारी बॉडी पर काफी ज्यादा दाने निकल जाते हैं या फिर रैशेस हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे आसान से तरीके जो आपकी बॉडी पर वैक्सीन होने के बाद दाने अगर होते हैं तो उन्हें आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि अगर आपकी डेट्स चल रही है, यानी कि आपके पीरियड का समय चल रहा है, तो उस समय आपको वैक्सीन नहीं करानी चाहिए। उस समय हमारा शरीर काफी कमजोर होता है। अगर आप उस समय पर वैक्सीन कराती हैं तो आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा रैशेस हो सकते हैं और बहुत ज्यादा दाने भी निकल सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपने पीरियड के टाइम पर आप वैक्सीन ना कराइए, ऐसा करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सही तरीके से ध्यान देने के बावजूद भी आपकी बॉडी पर रैशेस निकल जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथ और पैर या फिर वो जगह जहाँ पर आपने वैक्सीन कराई है उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उसे अच्छे तरीके से सुखा कर उसके ऊपर पाउडर या फिर मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए और उसको कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और जब आप देखेंगे कि जैसे ही आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो आपके दाने काफी हद तक बैठ चुके होंगे। अगर इसके बाद भी आपके शरीर पर कुछ दाने रह जाते हैं तो आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस पैक को अपनी बॉडी पर लगाइए, ये आपके रैशेस को पूरे तरीके से ठीक करने के लिए ये आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।